आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग सापेक्ष चुंबकशीलता या सापेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। कर हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन होगा हमारा सापेक्ष चुंबकशीलता किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, सापेक्ष चुंबकशीलता किसे कहते हैं। आंसर होगा हमारा माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात या वायु, और माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात या वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। क्या परिभाषा दिया जाता है, माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात या वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर द्वारा सूचित करते हैं, सापेक्ष चुंबकशीलता को हम लोग म्यू आर द्वारा सूचित करते हैं, अर्थात म्यू आर बराबर म्यू बटे म्यू जीरो, जहां म्यू आर हमारा क्या है, सापेक्ष चुंबकशीलता, और म्यू हमारा क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता, म्यू हमारा है माध्यम की चुंबकशीलता, और म्यू जीरो हमारा है निर्वात, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। माध्यम के सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू बराबर हमारा क्या होगा, म्यू आर बराबर म्यू बटे म्यू जीरो, जहां म्यू हमारा क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता, और म्यू जीरो निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, और म्यू आर को हम लोग क्या चीज द्वारा सूचित करते हैं, म्यू आर को हम लोग सापेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू आर द्वारा सूचित करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।